अब इससे पहले उन्होंने मक्खी फिल्म में विलन का रोल किया था जो कि बहुत बड़ी हिट रही थी. उसके अलावा उन्होंने अभी अभी उनकी पहलवान मूवी आई थी जिसके अंदर वो एज एन एक्टर हीरो थे उस फिल्म के. सुनील शेट्टी भी थे उस मूवी में. तो वो मूवी बहुत अच्छी चली थी, बहुत अच्छी मूवी थी. अपनी स्टेट में अपनी लैंग्वेज के अंदर वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्हें विलन के रोल में लेकर आए हैं. उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, विलन का रोल बहुत अच्छे से निभाया होगा उन्होंने. और एंड में आप देखोगे ना, एंड में जब वो धूल गिरती है उनके मतलब सिक्स पैक एब्स वाली पूरी बॉडी दिखाई दी सलमान खान की. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल. मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र. मैं हूं मुनीश. और दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है दबंग 3 का ऑफिशियल ट्रेलर. और इस ट्रेलर के काफ़ी व्यूज़ हो गए हैं, तो हम देखने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं, पर फिर भी देखते हैं कैसा ये ट्रेलर. सलमान खान अरबाज खान एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा. हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा. सर, हमारे प्रमोशन का क्या होगा सर? ओ भाई, आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल मंडरा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, हर किसी नहीं सर, सपनों में भी नहीं सर. आई लव यू सर. आई लव यू टू. आई लव यू. और साथ लाए हम हमारी सुपर सेक्सी मिसेस को रज्जो. अब दबंगई पर चलते हैं. लेकिन कोई दबंग पैदा नहीं होता है, उसके पीछे एक कहानी जरूर होती है. ये कौन है? नाम खिला रहा है. अच्छा, इसमें दिया गया स्टाइल. अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आपने सुना होगा कि जीत अच्छाई की होती है. गलत सुना है आपने. व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही. नाराजगी इस बात की नहीं है हमें कि तुम हमारे घर में घुसे. नाराजगी तो इस बात की है कि तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे. मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम. ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पाएगी. ये कुछ ज्यादा हो गया भाई. ये प्रभु देवा. स्वागत तो करो हमारा. मजा आया? हमें भी मजा आया आपको मजा लेते देखते हुए. और हमने ऑलरेडी कर दिया इंतजाम आपके टिकट के बुकिंग्स का. तो मिलते हैं 20 दिसंबर को. तो ये था भाई दबंग 3 का दबंग ट्रेलर. दबंग के सारे सब कुछ हिला दिया. एक्शन से भरपूर ट्रेलर. स्टाइल से भरपूर. लास्ट वाला देखा था कैसे चश्मा कैसे लगता आके सीधा. खतरनाक. और मतलब एक स्टोरी और ऐड की है, मतलब इसकी जो दबंग के पीछे की है पहले की, मतलब दबंग जो फर्स्ट आई थी उससे भी पीछे की, उससे भी पीछे की स्टोरी ऐड की हुई है इसमें. जब उसकी मूछें भी नहीं थी भाई, बिल्कुल क्लीन शेव तब की है. और एक और जो एक्ट्रेस है शायद नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी ऐड की हुई है.
वो शायद सोनाक्षी सिन्हा का पहले का रोल कर रही हैं या फिर वो पहले कुछ अलग प्यार रोल है। हाँ, वो वाला उसी के पीछे मतलब वो दबंग ही शुरू हुई है कुछ लड़ाई, तो ऐसा कुछ दिखाया। तो वो तो फिल्म देख के पता चलेगा कि मतलब वो किस चीज के लिए था, क्या स्टोरी थी, वो सोनाक्षी सिन्हा का पिछला रोल है या वो किसी और से प्यार करते थे फिर उसके साथ कुछ हुआ इंसिडेंट, मतलब कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत दुश्मनी तैयार हो गई उनकी किसी के साथ, तो कुछ मतलब पुरानी दुश्मनी है या मतलब वही सोनाक्षी सिन्हा का पुराना रोल है उसी में कुछ हुआ है, वो देखना पड़ेगा। तो और देख के पता लगेगा। इस मूवी के अंदर जो विलन है वो इससे पहले उन्होंने मक्खी फिल्म में विलन का रोल किया था जो कि बहुत बड़ी हिट रही थी। उसके अलावा उन्होंने अभी अभी उनकी पहलवान मूवी आई थी जिसके अंदर वो एज एन एक्टर हीरो थे उस फिल्म के, सुनील शेट्टी भी थे उस मूवी में। तो वो मूवी बहुत अच्छी चली थी, बहुत अच्छी मूवी थी। अपनी स्टेट में अपनी लैंग्वेज के अंदर वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्हें विलन के रोल में लेकर आए हैं। उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, विलन का रोल बहुत अच्छे से निभाया होगा उन्होंने। वो देखने से पता लगा ट्रेलर में कि मतलब भाई बहुत ही बढ़िया मतलब एक्टिंग की हुई है और पूरे एक्शन सब कुछ है। और एंड में आप देखोगे ना, एंड में जब वो धूल गिरती है उनके मतलब सिक्स पैक एक्स एब्स वाली पूरी बॉडी दिखाई सलमान खान की, तो वो भी देखने को मिलेगा। एक सीन आधी जनता उसके लिए जरूर जाएगी। और कॉमेडी के सीन भी है, जैसे बेल्ट निकालता है पैंट गिर जाती है उसके बाद फिर एक्शन। और दरवाजे वाला जो था भाई वो तो खतरनाक ही था, उनसे दरवाजे थे मतलब आयरन मैन पीछे छोड़ रहा था, वो लोहे का दरवाजा था, लोहे के दरवाजे के पार निकाल दिया, तो ज्यादा ही खतरनाक हो गया। और कलर्स की बात करें तो इस मूवी में भी पहली जो दो मूवीज थी दबंग और दबंग टू, उसके जैसे ही कलर हैं, ऑरेंज टिंट ज्यादा दिया हुआ है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक के अंदर भी चुलबुल का जो सेम ही जो हाँ मतलब पुराना कोई दबंग वाला फील ही आएगा आपको। हाँ, थोड़ा सा मॉडी वो करते ही है, रिमिक्स थोड़ा बहुत तो करते ही है, वो हारमोनियम से इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई गाना तो पता नहीं, मतलब अभी आएंगे गाने तो पता चलेगा कौन कौन से गाने हैं फिल्म के अंदर। हालांकि गाने बहुत सारे हैं, वो ट्रेलर में भी दिख रहा था बहुत सारे। एक क्लब का गाना था, एक सोनाक्षी सिन्हा के साथ गाना था, एक जो दूसरी एक्ट्रेस है उनके साथ एक गाना था, तो एक आधा आइटम सॉन्ग तो होगा ही, जैसे वो क्लब वाला जो आइटम सॉन्ग था जिसके अंदर एक डांसर के साथ क्लब में डांस कर रहे थे, तो शायद वो आइटम नंबर होगा। और बाकी प्रमोशन के बारे में ख्याल करना तो बंद कर दें, नहीं तो गोली चल सकती है। तो कॉमेडी अच्छी है, पुराना वाला फ्लेवर जो है सलमान खान की दबंग 1-2 का वो इस फिल्म में मिलेगा वाला है। और हमारी तो यही मतलब ख्वाहिश है कि बहुत अच्छी फिल्म हो और ये 300 क्या मतलब 500 600 700 करोड़ कमाए, तो मतलब जाता हुआ साल जो है वो ऐसे दिवाली की तरह ना मतलब बिल्कुल। और इसका प्रमोशन वाला वो देखा था मैंने वीडियो, तो ये तमिल तेलुगु दूसरी लैंग्वेज मतलब साउथ वाली लैंग्वेज में भी है ये रिलीज कर रहे हैं इस मूवी को, तो मतलब ओवरऑल ये सारे इंडिया में ही चलेगी, सारे इंडिया में चलेगी, पूरे वर्ल्ड में चलेगी। तो अगर मूवी जैसे कई बार होता है कि ट्रेलर के अंदर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बाद में कुछ स्टोरी की वजह से या कुछ डायरेक्शन में या स्टोरी में स्क्रिप्ट की वजह से फिल्म कई बार डल हो जाती है, तो अगर वैसा नहीं हुआ, अगर स्क्रिप्ट बहुत टाइट रही और डायरेक्शन बहुत अच्छा रहा, प्रभु देवा जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज दी हैं। और उन्होंने बोला भी है मतलब इस मूवी में काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, मतलब जो पुरानी थी उनसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो वो मूवी देख के ही पता लगेगा कितनी मेहनत है और कैसी जाती है मूवी। इससे पहले प्रभु देवा जी रॉडी राठौर, वांटेड और भी बहुत सारी आर राजकुमार जैसी मतलब एक्शन पैक्ड मूवीज दे चुके हैं, तो अगर ये मूवी वैसी ही रहती है तो 600-700 करोड़ कमाने से या सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली हिंदी मूवी बनने में इसे टाइम नहीं लगेगा। तो ये था ट्रेलर दबंग 3 का, और ये हमें ट्रेलर तो बहुत ही बढ़िया लगा है। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुँचे, और हमारे चैनल पे और भी काफ़ी वीडियोस हैं वो भी आप ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।